शादी में, और आप भी हमारे साथ बने रहिए और इस शादी का हिस्सा। मैं हूँ अपने बड़े भैया की शादी में, मेरे भैया हैं राकेश और नई भाभी आने वाली है अनीता। राकेश संग अनीता, ये है मेरे बड़े भैया का घर, और ये देखिए शादी का घर, मंडप सज गया है और तारों की तरह लटकती हुई लड़ी जो जगमग जगमग जल रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है घर। आप भी मेरे साथ बने रहिए और इस खुशी के मौके में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। अब चलते हैं अंदर, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो बाजा बज रहा है वो ट्रेडिशनल बाजा है, और हमारे एरिया में सभी शादियों में ये बाजा आपको सुनने को मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन होता है और हमारा कल्चर। चले अंदर, आ जाओ। अब हम चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की सजावटें। उधर हड़बड़ा रहे हैं और वो चले गए। ये देखिए फ्रेंड, ये है मड़वा, ये इसको चारों कोनों में 7 या 5 इसको लगाया जाता है। इसको ये देखिए, और बीच में एक होता है हैप्पी वेडिंग राकेश फ्रेंड्स अनीता। बना हुआ पीढ़ा, और उसके ऊपर ये इस तरह से पट्टी बनाया गया है जिसको भैया के माथे में बांधा जाएगा। और ये है मेरी बड़ी माँ, मेरी बुआ जी और मेरी दीदी, मेरी बहनें, बहुत सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। ये देखिए जो पट्टी बनाया गया था जिसको मेरी बहन जो है भैया के सर पे बांध रही है, इससे ये होगा कि पहली चीज़ तो उनको जो तेल लगाया जाएगा वो उनके सर आँख तक नहीं पहुँचेगा, और ये जो उसमें काला टीका लगाया गया है वो लगाया जाता है, 3 काले टीके लगाए जाते हैं, और इस तरह से ये बहन इनको बांध दी है। अब भैया मेरी ओर देख रहे, मुस्कुरा रहे हैं, बस उनके नए जीवन की शुरुआत हो रही है। अब ये देखिए पट्टी बांधने के बाद मेरी सिस्टर जो है सरसों का तेल लगा रही है, सरसों का तेल ही लगाया जाता है, और हल्दी जो पट्टी में अंदर डाली गई है वो बिल्कुल घर की हल्दी है, और वो सील पट्टे में पिसा हुआ हल्दी है, ओरिजिनल हल्दी है। ये है मेरी छोटी बुआ और ये है मेरी बड़ी बुआ येलो साड़ी में। तो बस अब हल्दी की तैयारी। अब ये देखिए मैं आगे हूँ, लोटा, कांसा का लोटा और कांसा का थाली मेरे हाथ में है, और लोटा से मैंने 3 चक्कर लगाया मड़वा का, बीच वाला मड़वा का, और मेरे पीछे पीछे हैं मेरे भैया दूल्हे राजा, और उनके पीछे है मेरी सिस्टर मधु। वो लेके आई है पीढ़ा को, जिसमें भैया की का मतलब पैर रखेंगे। ऐसे तो उस पीढ़ा के ऊपर ही बैठा जाता है, पर अब धीरे धीरे ये हो गया कि हम चेयर में बैठने का यूज़ करते हैं और पीढ़ा में पैर रखते हैं। हाँ, पर जब नचाना होता है तब उस पीढ़े में ही भैया बैठेंगे या दूल्हे राजा को बैठाया जाता है, और उस पीढ़ा को दोनों छोर से पकड़कर
नचाया जाता है। तो ये देखिए मेरे भैया राकेश पहुंच गए हैं मड़वा के नीचे और बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग हल्दी का त्यौहार, हल्दी का फंक्शन। ये देखिए फ्रेंड शुरू हो गई है हल्दी लगाने की तैयारी। ये इस तरह से अरवा चावल को भैया के ऊपर से किया गया। अब दीदी के करने के बाद मेरी सिस्टर कर रही है ये इस तरह से। हमारा कल्चर है हम ऐसा करते हैं। इसमें अरवा का चावल है जिसको कासा की थाली में रखा गया है। ये देखिए सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं सब इस खूबसूरत सा प्रोग्राम का इस सुंदर और खुशी के माहौल में सब हमारे साथ शरीक हुए हैं। अब ये देखिए दीदी रजनी दीदी कर रही है। आप ये देखिए मेरी सिस्टर मधु हल्दी लगा रही है। ये इस तरह से हल्दी चढ़ा रही है। ये अभी भैया को हल्दी चढ़ रहा है और मेरा बेटा अयांश पीछे से वो भी मज़ा ले रहा है। इस तरह से एक पाव में हल्दी चढ़ाने के बाद अब दूसरे पाव में हल्दी लगा रही है मेरी सिस्टर। तो इस तरह से हल्दी पैर में, हाथों में, चेहरे में, पूरे बॉडी में हल्दी चढ़ाई जाती है। उसके बाद आगे आप मेरे वीडियो में देखेंगे कि हल्दी चढ़ाने के बाद में ना हल्दी को उतारा भी जाता है। तो ये होती है हमारे यहाँ हमारे कल्चर में हल्दी लगाने की या हल्दी चढ़ाने की बहुत सी प्यारी सी रस्में, जिसमें दूल्हे राजा की बहनें, उनकी दीदियाँ, उनकी भाभियाँ सभी दूल्हे राजा को भरपूर मेहंदी लगाते हैं, सॉरी मेहंदी नहीं हल्दी लगाते हैं। और ये इस तरह से दोनों पैरों में, उसके बाद दोनों हाथों में भी हल्दी मेरी सिस्टर ने भैया को लगा दिया है। मस्ती करते हुए वो हल्दी लगा रही है, अब वो लगा रही है चेहरे पे। तो इस तरह से कच्ची हल्दी और ओरिजिनल हल्दी जब आप दूल्हे राजा या दुल्हन के बॉडी में लगाते हैं ना, तो उनका रंग बहुत ही अच्छा निखर के आता है, वो तो है ही है। और हमारा कल्चर है हम भरपूर हल्दी लगाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल जो बाजा है उसको भी आप इंजॉय कर पाए होंगे। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए सभी तरफ मेरी सिस्टर जो है मधु वो लगा रही है और मेरा बेटा अयांश उसका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो भी इंजॉय कर रहा है इस मोमेंट को। और हम सब इस खूबसूरत से मौके के साक्षी बने हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे भैया दूल्हे राजा बन रहे हैं। अब ये देखिए भैया अपने हाथ में भी पकड़ लिए हैं हल्दी, क्योंकि जब उनको जो भी नचाएगा उसको वो हल्दी लगाएंगे। अब ये देखिए भैया मेरे दूल्हे राजा को मेरा भाई राकेश वो अपने पीठ पर बिठा लिए हैं और ये इस तरह से उनको नचाया जा रहा है। तो अभी काफ़ी देर तक ये हल्दी लगाना और उनको नचाना, और साथ में ये देखिए सारे रिश्तेदार फैमिली मेंबर्स जो हैं बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स ये हमारे जशपुर का सबसे फेमस डांस होता है। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस तरह से डांस करते हैं, बहुत ही इजी होता है। आप भी आइए मेरे जशपुर में इस खूबसूरत सा डांस का, हमारे संस्कृति का, हमारे कल्चर का और तो और हमारे जशपुर की हरियाली का आनंद लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से गाना बजाना नाचना, और मेरे साथ मेरा बेटा अयांश भी डांस कर रहा है। तो बस इस तरह से ही हमारा नाचना गाना और हल्दी लगाना, एक दूसरे को हल्दी लगाना, हंसी मजाक ये सब चलता रहेगा। इस खूबसूरत सा दिन को, इस खूबसूरत सी शाम को और भी अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए और इस बेहतरीन से पल को आप भी इंजॉय कर पा रहे होंगे, मेरे वीडियो में आप भी बने रहिए और मेरे व्लॉग को आप भी इंजॉय करते रहिए। अब ये देखिए अब बहन के बाद में मेरी बारी। अब मैं भैया को हल्दी लगा रही हूँ, साथ में मेरा बेबी भी वहाँ खड़ा है और देख रहा है। भैया थोड़े हैवी हैं इसलिए हम
नचाने से डर रहे हैं। अकेले पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनको नचा पाएंगे। भाई लोग नचा रहे हैं, देखते हैं, हम कोशिश करेंगे दोनों तीनों बहनें मिल के उनको नचाने, मतलब उठा के नचाने की। तो इस तरह से मैंने भी हल्दी लगा दिया है अपने भाई को, भैया को, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ये जो हमारा ट्रेडिशनल बाजा है उस पर हम थिरकने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि इसकी जो ध्वनि होती है, इसका जो सुर होता है, वाकई बहुत ही मनमोहक होता है। मतलब आप एक बार सुनेंगे तो बिल्कुल नाच उठेंगे। हम तो बहुत इंजॉय करते हैं हमारे इस ट्रेडिशनल बाजा को, और हमारे हर मौके पे, इन द सेंस ये कि हमारे खुशी के हर मौके में ये जो बाजा है वो ज़रूर से ज़रूर शामिल होता है। हम भैया को मेहंदी लगा, सॉरी मेहंदी मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, हल्दी लगाते हैं और इस तरह से बारी बारी नचा रहे हैं। और अब ये देखिए, मैं और मेरी बहन साथ में है, मेरा बेटा अयांश, बिल्कुल हम पीछे नहीं हट रहे हैं, बस इसकी धुन में हम बस्ती रखते ही जा रहे हैं। और चारों ओर देखिए लोगों का, हमारे रिश्तेदारों का, बहनों का, भाइयों का, सबका जमावड़ा हो गया है और सब एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे साथ एंजॉय कर पा रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ, मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। आप भी मेरे साथ एंजॉय करिए। थैंक यू।